नमस्कार, न्यूज़ फॉर भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त हम सरदार अस्पताल में हैं बिहार शरीफ के, और यहां एक मरीज हैं, ऐसे अपने आप को कोरोना का मरीज़ बता रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि क्या है नहीं है। हम पहले इनसे जान लेते हैं कि इनकी समस्या क्या है। आइए आगे आइए, मास्क लगाइए पहले। बताइए आपको क्या समस्या है। हमारी समस्या है कि हम कुछ दिन से बाहर थे, नेपाल गए हुए थे, वहाँ से लौटे घर पर, करीब होली से आए हुए हैं। दो चार दिन से मेरा तबीयत ख़राब था। हरनौत प्रखंड जो हॉस्पिटल वहाँ गए, वहाँ पे उन्होंने बैठाया, जांच किया, बोला कि आपको हम बिहार भेजते हैं। वहाँ बड़ा एम्बुलेंस वाला बोलता है कि नहीं, हम कोरोना मरीज़ को नहीं ले जाएंगे। वहाँ से कोई व्यवस्था नहीं मिला, तो प्रभारी हमें बोले कि आप अपनी व्यवस्था से चले जाइए। हम अपनी व्यवस्था से अपने बाइक से आएँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट दिखाया। यहाँ चेकिंग का आपको मिला है? मुझे चेकिंग खांसी और मुझे सीने दर्द और खांसी है, फीवर थी दो तीन दिन पहले, अभी खांसी और सीने में दर्द है, बुखार तो नहीं है। उसके जांच कराया यहाँ पे, अभी रिपोर्ट जांच हो गई, लेकिन रिपोर्ट का कोई ऐसा पता नहीं है। सांस लेने में दिक्कत हो रहा है? सांस लेने में शाम के टाइम दिक्कत होती है, होता है। हाँ सर, तब हम तो जांच के लिए आए कि हम बाहर से भी आए हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि दूर रहने, हम नेपाल गए हुए थे। आप हरनौत गए तो पटना क्यों नहीं गए? हरनौत वाले वो लिख के भेज दिए कि बिहार से जाना है, पटना जाना चाहिए। तो सर हम तो सर जहाँ भी हो, हम तो अपना जो भी संभवता जहाँ तक यहाँ संभव हुआ आने का आए। यहाँ पर भी कोई व्यवस्था ही नहीं है जाँच का, कोरोना का कोई भी यहाँ पे सब फैसिलिटी नहीं है कि कोरोना की जांच यहाँ पे हो सकता है। मतलब कि यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है बिहार से? नहीं, यहाँ पे बस नॉर्मली जो जांच होता है बस वही नॉर्मली होता है। तो जैसा कि आपने साफ सुना कि यहाँ एक मरीज आए हुए थे कोरोना का, और हमने उनसे बातचीत की। हालांकि उनका कहना है कि बिहार शरीफ का जो सदर अस्पताल है, हालांकि सरकार तो हर जगह दावा कर रही है कि हर जगह मिलेगा जाँच का सुविधा, लेकिन बिहार शरीफ की बात कर ले तो यहाँ इस हॉस्पिटल में एक नॉर्मल जाँच की ही सुविधा है, एक भी जांच केंद्र नहीं है, एक भी जांच की सुविधा नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर भारत। धन्यवाद।